सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्त्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलः ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मते स्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग पिछले कुछ सत्रों से साधना पंचकम के सातवें सूत्र पे विचार कर रहे हैं, आत्मेच्छा व्यवसीयताम। साधना पंचकम नामक ये जो ग्रंथ चल रहा है, ये हमें याद है कि ये आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए ही हम लोगों को स्टेप्स बता रहा है, सोपान बता रहा है। और यहां पर हम लोग पहले श्लोक में देखते हैं कि आचार्य बोलते हैं सातवें सूत्र में जाके कि आत्मेच्छा व्यवसीयताम। अब तुमको आत्म के ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए, निश्चय करना चाहिए, नाउ इज द टाइम। यद्यपि आत्म के ज्ञान की अगर प्रेरणा मनुष्य को प्रारंभ में ही हो जाती है, अर्थात ये जो भी हमको प्रारंभिक स्टेप्स बताए गए हैं उससे पूर्व किसी के अंदर होती है, तो भी हमारे आचार्य लोग, हमारे टीचर्स इमीडिएटली हमको ज्ञान का अनफोल्डमेंट करना प्रारंभ नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति की भी इच्छा बड़ी आदरणीय है, लेकिन मात्र इच्छा से कोई आदमी पूरा पात्र नहीं बन जाता है। हम अगर किसी टीचर के पास, किसी गुरु के पास चले भी गए और हमको वो अत्यंत सूक्ष्म चीजें बताने भी लगे, तो ये स्टूडेंट अभी नहीं जानता है कि इस ज्ञान के लिए किस प्रकार के अंतःकरण की, कैसे बुद्धि की, कैसे मन की, कैसी निष्ठा की, कैसी सूक्ष्मता की, किस प्रकार की जरूरत है, अभी उसको कल्पना तक नहीं है। वो जैसे आज तक दुनिया की अनेकों चीजें जानता आया था, बस आज हमको ये भी जानने की इच्छा हो गई और हमने बाकी चीजें भी जान ली, हम ये भी जान लेंगे।
तो विद ड्यू रिस्पेक्ट यहां पे हमको श्रुति बताती है, शास्त्र बताते हैं कि आप बाहर की दुनिया के ज्ञान की प्राप्ति में भले अत्यंत समर्थ रहे हो, लेकिन ये कोई भी प्रमाण नहीं है कि आप आत्म के ज्ञान के लिए भी पात्र हो जाते हैं। एक डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मात्र एक इंटेलिजेंस नहीं है। हम लोग अगर अपने प्रारंभ के स्टेप्स में देखें तो इंटेलिजेंस तो आवश्यक है ही है, लेकिन एक सेल्फलेसनेस आवश्यक होती है। ये बहुत आवश्यक चीज है। हम बुद्धिमत्ता के साथ साथ एक निस्वार्थता की सुगंध प्राप्त कर लेंगे, अपने बारे में निश्चिंतता, परिवार के लिए, दुनिया के लिए पूर्ण सच्ची निस्वार्थता, सच्ची निस्वार्थता एक अलग चीज है। अब आज तक जीवन में परिवार के लिए कार्य करते आए हैं, समाज की सेवा करते आए हैं, ये बहुत विचार के बाद ही दिखाई पड़ता है कि कई बार बाहर के कार्य भी दरअसल हमारी ही किसी अन्य लोकेशनाओं की, वासनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति का ही एक प्रतिफल हुआ करता है। कई बार एस्केप भी हुआ करता है। कई बार हमने देखा है बाहर के समाज के कार्य के लिए आदमी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि बहुत ही घर में बेचैन है, असंतुष्ट है, उसके जीवन में बेचैनी विद्यमान है, कुछ कमी विद्यमान है। बहुत सारे कारण होते हैं कि आदमी बाहर के कार्य के लिए प्रवृत्त होता है। कुछ उसके अंदर ईगो फुलफिलमेंट की इच्छा है, कुछ अपनी भी वासना की पूर्ति है, कुछ सपने हैं, कुछ एस्केप है, या कई बार ऐसी सोच होती है कि बाहर की सेवा से ही सबका कल्याण होता है। वास्तविक कल्याण केवल बाहर के दरिद्र नारायण की सेवा से होता है। ये जो भी सोच है, आदमी यद्यपि इन सब चीजों से प्रेरित होकर बाहर कर्म करता है, लेकिन ये आत्म के ज्ञान के लिए पात्रता का सूचक नहीं है, ये सच्ची सेल्फलेसनेस का सूचक नहीं है। इनफैक्ट हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं ये भी सेल्फलेसनेस का सूचक नहीं है। आप यद्यपि आप अपनी तरफ से भोजन पानी अपनी चिंता नहीं करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ करते आए हैं, तो मैं के लिए नहीं कर रहे हैं, जो जो अपने से पृथक है, जो मेरा है उसके लिए कर रहे हैं, यद्यपि किसी हद तक मेरे के लिए करना भी आदमी को लगता है कि बड़ा निस्वार्थता है, लेकिन आप अगर विचार करके देखें तो मेरा जो है वो मैं का ही एक्सटेंशन होता है। जब तक हम मेरे के लिए करते हैं तब तक वो आदमी अभी भी अहम की संतुष्टि कर रहा है। मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरे बाल बच्चे, मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा प्रदेश, जब तक ये सोच विद्यमान है तब तक आदमी के अंदर संकुचिता विद्यमान है, और जब तक आदमी के अंदर संकुचिता विद्यमान है तब तक यद्यपि वो आदमी बहुत ही बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन अभी तक वो आत्म के ज्ञान के लिए पात्र तक नहीं है। इस बात को बड़ी शांति से, धीरज से समझना चाहिए। इसके बहुत इंपॉर्टेंट रिपरकशंस होते हैं।
जिस समय भी आदमी अभी भी मैं मेरा तू तेरा, यह हमारा परिवार, यह आपका परिवार, यह हमारा धंधा, यह आपका धंधा, यह हमारा क्लब, यह आपका क्लब, यह हमारा शहर, यह आपका शहर, इस प्रकार की सोच रखता है, यह हमारा धर्म, यह आपका धर्म, यह हमारा देश, यह आपका देश, यहां पे ऐसे संगठन हैं जो बहुत ही देशभक्ति से प्रेरित हैं, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ही देखो निस्वार्थ हैं, देश के लिए कुर्बान हैं, देश की सेवा करते हैं। लेकिन ये बहुत एक विशेष इंटेलिजेंस की समझ की जरूरत होती है इस बात को देखने के लिए कि जो व्यक्ति अभी मेरा के लिए काम कर रहा है वो अभी निस्वार्थ शब्द का अर्थ नहीं देख पाया है। निस्वार्थ शब्द का आशय ये होता है कि मेरा हो या तेरा हो, मैं हो या तू हो, हम सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो सकते हैं, हमारी संवेदनाएं सबके लिए अवेलेबल होती है, हमारा प्रेम सबके लिए है, मात्र मनुष्य मात्र के लिए भी नहीं हो, समस्त प्राणियों के लिए। आप ये ध्यान रखिए कि ये कोई धर्म का चैप्टर नहीं चल रहा है, ये ब्रह्म ज्ञान का चैप्टर चल रहा है। धर्म के सेक्शन में हमारे अंदर बड़ी सुंदर भावना से कर्म हो वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कुछ अच्छे कर्म करने के लिए हम किसी खंड को, किसी फ्रैगमेंटेशन को, किसी भेद को टेम्परेरली स्वीकार कर ले कि कम से कम भाई अपने परिवार के लिए करो, अपने भगवान के लिए करो, अपने देश के लिए करो। तो यहां पर इस बात को नोट करिए कि आप अपने इष्ट देवता, अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के लिए सत्कर्म कर रहे हैं, बड़े भाव से काम कर रहे हैं। और जिस समय आपने ये एक बाउंड्री खींच दी है, ये मेरा है, तो आपने साथ साथ एक खंड क्रिएट कर दिया है, जो जो चीजें मेरी नहीं है। ये जो खंड में इंसान जीता है, खंड के अंदर रहते रहते आप अपने से छोटे आशियाने को कितना भी अच्छा बना लें, ये एक रियलाइजेशन की बात होती है, ये एक समझ की बात होती है कि तब तक आपके जीवन में खंड रहेगा, संकुचिता रहेगी, घुटन रहेगी, छोटापना रहेगा। और छोटेपने से जो जो चीजें संबद्ध होती हैं वो समस्त चीजें आपके जीवन में सदैव जुड़ी रहेंगी। ये आपके लिए अभिशाप हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में डर क्यों है, संकुचिता क्यों है, घुटन क्यों है, बेचैनी क्यों है। आप अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, जो जो आपसे जीवन में जुड़ा हुआ है सबको प्यार देते हैं, उसके बावजूद मन के अंदर डर भी है, चिंता भी है, छोटापना भी है, असुरक्षा भी है, अभी तक शोक विद्यमान। ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि आज तक हम अपने जीवन को छोटेपने में, संकुचिता में, भेद में, खंड में, फ्रैगमेंटेशन में, हम अभी तक खुद अपने अनजाने में हम इसको बनाए हुए हैं। जिस समय हम इसको रियलाइज करते हैं तब पता लगता है निस्वार्थ शब्द का मीनिंग क्या होता है।
निस्वार्थ शब्द का मीनिंग होता है कि मेरे के दायरे से परे भी सेवा करने का सामर्थ्य, संवेदना का सामर्थ्य। जो आपके घर में कोई पक्षी चुनने नहीं आता है, क्या उसको दाना नहीं खिलाना चाहिए? क्या जो आपके घर के अंदर कुत्ता या गाय या बिल्ली नहीं है, क्या उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए? वो मरे तो मरे जाके। सत्कर्म में आता है, कम से कम आप थोड़ा चालू तो करो, फिर उम्मीद है कि यह आपको सेवा का रस मिलेगा और यह सेवा सबके लिए अवेलेबल। अगर आप अपनी दुनिया को भी देखें, यहां इकोसिस्टम को देखें, तो आपको पता लगता है कि खंड की मनोवृत्ति केवल भयंकर अज्ञान है। आपके वहां पे जो बारिश होती है, आपके वहां बारिश इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपके वहां के बादल आपको पानी देते हैं। दूर समुद्र से पानी आता है तब जाके जो मेरा के दायरे में नहीं है वो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। आपने एल नीनो के बारे में सुना होगा। पैसिफिक ओशन की वेव्स कहीं पर जाके थोड़ी वार्म हो जाती हैं और उससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मॉनसून प्रभावित होता है। अब मेरे का दायरा तो केवल एक छोटी सी जगह था और पता लगा है कि पैसिफिक ओशन में बटन दब रही है, यहां पे जो है मॉनसून आए। कितनी मूर्खता है कि हम केवल अपने ही छोटे से दायरे में ही तादाद में रखें, संकुचित होके जिएं। पूरी कायनात आपके ऊपर कृपा बरसा रही है। वेदांत का स्टूडेंट वो होता है जो कि बड़ी विनम्रता से जानता है कि हमको कोई कर्म नहीं करना, इसके लिए कर्म, उसके लिए कर्म, कर्म हो गया चैप्टर। और अगर कर्म भी करना है तो केवल निस्वार्थ भाव से करने पे ही तुम्हारा मन शुद्ध होता है। और निस्वार्थ क्या है? किसी के लिए भी हो, हम सत्य निष्ठ हो, न कि व्यक्ति निष्ठ हो, न कि गद्दी निष्ठ हो, न कि स्थान निष्ठ हो, न कि परिवार निष्ठ हो, न कि नाम निष्ठ हो, सत्य निष्ठा, अच्छाई जहां पर भी है वहां पे आप समर्पित रहें, ज्ञान जहां पर भी है आप वहां के लिए समर्पित रहें। आपको तो पूरी दुनिया की सच्चाई जाननी है, केवल अपने घर की सच्चाई थोड़ी। व्हाट अ स्टुपिडिटी। सच्चाई क्या केवल किसी देश सापेक्ष होती है, व्यक्ति सापेक्ष होती है? सब प्रकार के बैरियर्स तोड़ते हुए वेदांत का स्टूडेंट सबको अपने हृदय से लगाता है। ऐसे थोड़ी कोई आदमी पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और विश्व परिवार है वेदांत के ज्ञान के अल्टीमेट लेवल्स में ये चीज भी छोटी होती है। पूरा विश्व हमारा परिवार है ये अभी संकुचिता का, मोह का सूचक होता है। ये ऐसे लोगों को बात कही जाती है जो कि केवल अपने परिवार के लिए जी रहे थे, तो उनको परिवार शब्द, परिवार का दायरा अभी भी चाहिए। इसीलिए हम परिवार शब्द को यूज करते हुए बस एक्सटेंड करते हैं। परिवार से अभिनिवेश अभी भी विद्यमान है। और विश्व जब परिवार है, परिवार है, होना चाहिए क्योंकि हम परिवार के लिए ही समर्पित होते हैं। और अगर आपका परिवार है तो फिर शायद कोई दूसरा भी परिवार है। अगर कोई यहां पे एक परिवार नहीं है तो फिर हम परिवार शब्द थोड़ी यूज करते हैं। बस दुनिया है, न हमारी है न तुम्हारी है,
ये सब खंड जो है आदमी खत्म करके एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे अधिकारी, एक ऐसा शिष्य जो प्रति क्षण जो भी करता है पूरे मनोभाव से, पूरे प्रेम से, इस संकुचिता, इस खंड से रहित होके जब करता है, तो उनके आचार्य लोग देखते हैं कि हां, अब इस व्यक्ति के अंदर निस्वार्थता का प्रसाद प्राप्त हुआ है, डिस्कवरी हुई है। किसको निस्वार्थता बोलते हैं? वेदांत का ज्ञान तो बहुत दूर है, वेदांत के ज्ञान की पात्रता तक नहीं होती है अगर हमारे अंदर इस प्रकार का कोई खंड विद्यमान है। इनफैक्ट अगर आप कर्म योग के रहस्यों को अभी तक फॉलो करते आए हैं इन प्रारंभ के 6 स्टेप्स में, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि निस्वार्थ होने के लिए मैं के दायरे से निकल के 13 और तू उसमें उतने ही भाव से प्रेम करने का सामर्थ्य, सेवा करने का सामर्थ्य, ये कर्म योग की पात्रता भी तभी देता है। क्यों कई बार लोगों की बुद्धि जड़ बनी रहती है? हमने भी देखा अनेकों लोग वर्षों से ये सिंसियरली पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन बुद्धि अभी तक बड़ी मोटी बनी हुई है, बड़ी जड़ बनी हुई है। क्यों जड़ बनती है? कारण कहां है? दवाई बहुत दिन से खा रहे, ठीक ही नहीं हो रहे, तो डायग्नोसिस करनी चाहिए ना। डॉक्टर्स लोग भी विचार करते हैं, ये दवाई सबके लिए काम करती है, इस आदमी के लिए क्यों नहीं काम कर रही है? कौन सी चीज है जो यहां पे एक दवाई को विपरीत असर दिला रही है? बल्कि यही जो है वह प्रेम भाव से सेवा आदमी के मन को कहां से कहां उठा देना चाहिए। लेकिन ये महाशय देखो पड़े हुए हैं, अभी मोटी बुद्धि है इनकी, अकल ही नहीं आ रही, घुटन होती, पीड़ा होती है, एस्केप होता है, बेचैनी होती है, बेबसी होती है, वासनाओं से ग्रसित हैं, अभी बचपना है उनके अंदर, आग्रह है, राग द्वेष, सब कुछ कचरा विद्यमान, क्या हो रहा है? ये प्रेम भी सेवा बड़ा करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, सब कर रहा है, अनेकों संगठन चला रहे, वो भी सेवा उनको आशीर्वाद नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ये मैं मेरा तू तेरा से भी तक कलुषित है। व्हाट अ डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस। जीवन भर की सेवा सब कचरा, सब पानी भर गया। जैसे हम बड़ी दवाई ले रहे हैं डायबिटीज की, लेकिन तो भी क्या गड़बड़ हो रहा है, ये मिठाई खा रहा है, कौन सी दवाई असर करेगी? यही जो है आदमी सेवा भाव, अनेकों प्रकार की सेवाएं अगर मैं मेरा तू तेरा से कलुषित होती है, तो ज्ञान तो बहुत दूर, कर्म योग तक नहीं हो रहा है। क्योंकि कर्म योग अपेक्षा करता है कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करो, निष्कामता का अर्थ डिस्कवर करो, प्रेय पथ को छोड़ो सबके लिए। नहीं, हम तो किसी के लिए भी काम करते हैं। रियली? तुम सबके लिए काम करते हो? अनेकों लोगों को हमने देखा है, विचार करा है, कैसे अनजाने में उन्होंने बाउंड्रीज खींची हुई है, उन्होंने रेखाएं खींची हुई है। अभी रिसेंटली एक सज्जन हमको मिले थे, बोल रहे थे कि वहां हमारा बंबई का एक ट्रस्ट है, बोलते नहीं बंबई का पैसा बंबई में होना चाहिए। बोला है तुम वेदांत के स्टूडेंट हो गया, तुम सत्यनिष्ठ हो, तुम निस्वार्थ हो, अगर तुमको वेदांत की इच्छा है, अगर तुमको जीवन में सत्य जानने की इच्छा है, तो जो तुम्हारा न हो, जो तुम्हारे के दायरे से परे हो, जिस दिन उसकी सेवा कर पाना, उसके बाद फिर बात करना।
डिस्कवर करो, कोशिश करो। तुम्हारे परिवार के अलावा भी जब हो उसके लिए पूर्ण रूप से खर्चा कर सको। अभी रिसेंटली कुछ समय हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट जगत में इंडिया में एक बड़ी अच्छी सी लहर चल रही है, एक सोशल अवेयरनेस। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग अपना व्यक्तिगत पैसा पूर्ण रूप से किनारे करके, वो अभी तक हम अपने परिवार के लिए अपने लिए यूज करते थे। तो एक सज्जन ने बोला, जो भी हमारी शेयर का इस बड़ी आईटी कंपनी का पैसा है ये हम सब चैरिटी में देते हैं, जो मेरा नहीं था उसके लिए दे रहे हैं। हम विप्रो के अजीम प्रेम जी की बात कर रहे हैं। करोड़ों रुपए उन्होंने जो है वहां ऐसे संस्थान में रख दिए। बोलते हैं ये जो भी अच्छा काम करे उसकी सेवा करो, हमारे लिए नहीं करो, हमारा परिवार हमारा फॉरगेट इट। ये ओपनिंग अप है। और हम लोगों के शास्त्र बता रहे हैं कि जिस समय आप मेरे के दायरे से निकल के सेवा करें ना, आपको लाइफ में पहली बार डिस्कवर होगा कि किसको निस्वार्थता बोलते हैं। और वो भी बोझे से नहीं होना चाहिए, ऑब्लिगेशन से नहीं होना चाहिए, एहसान से नहीं होना चाहिए। हम दे रहे हैं देखो बड़े बोझे से, बड़ी चिंता से। बोलते मत दो, तो जो भी ऑब्लिगेशन से दे कभी भी उसकी चीज ली नहीं जाती, वो तो दान भी नहीं होता है, दक्षिणा तो बहुत दूर रही। दान में भी बोलते हैं कि अज्ञात हो के दो, कि तुम एहसान भी ना दिखा पाओ कि तुमने दिया है, वहां जाके दो। रात को अंधेरे में सोते हुए लोगों के ऊपर कंबल चढ़ा के आ जाओ, अपना नाम आगे करके कभी देना नहीं। एक सज्जन यहां आए, बोलते हैं आश्रम में पंखे वंखे चाहिए, हम आपको दे देते हैं। बस स्वामी जी एक हमारी रिक्वेस्ट है, आप पंखे के प्रत्येक ब्लेड्स के ऊपर ये लिख दीजिएगा कि ये फलाने सज्जन ने दिया है। हमें बोला सुनाई सर्फ यू, आपका दान हम अस्वीकार करते हैं, हमको एक पैसा भी नहीं चाहिए, ये दान नहीं होता है। पूना के थे वो सज्जन, बड़े थोड़े शॉक्ड हो गए, बोलते काफी हजारों रुपए हम दे रहे हैं। बोला रखे रहो यार, हजारों रुपए तुम बहुत जगह काम करो, तुम ही को दीनता है, अभी अहम की संतुष्टि करो। तुम इस चीज के लिए दान भी स्वीकार्य नहीं होता, कंडीशनल चीज नहीं है। दिल खोल के निश्चिंतता से पूरे विश्व को सबकी सेवा करने का सामर्थ्य हो, बड़ी सूक्ष्म चीज होती है, इसकी डिस्कवरी करनी होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, ध्यान रखिए, ये नहीं है कि हमारे दायरे में, हमारे शहर में, हमारे परिवार में बस यही खुश रहे भगवान, यही तो जीते आए हो जन्म जन्मांतरों से, निकलो इस दायरे से, सभी सुखी हो। बड़े कम लोग होते हैं, कोई हर्जा नहीं है, इसीलिए ज्ञान भी कमी लोग प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चिद् यतति सिद्ध है, बड़े हजारों में कुछ लोग ही ज्ञान के लिए प्रवृत्त होंगे। यततां अपि सिद्धानां कश्चन माम वेत्ति तत्वतः, जो प्रयास भी कर रहे हैं उनमें से भी उंगली में गिने जा सकते हैं, इतने कम लोग ही ज्ञान के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि इन सब दायरे से निकल ही नहीं पाते। वो अपने आप को बहलाते रहते हैं हम सेवा कर रहे हैं। जो व्यक्ति भी इस भाव से कार्य करता है उसका दान स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। दक्षिणा तो देना जानते ही नहीं है वो,
ऐसे बुद्धि से कलुषित मन जो दक्षिणा देता है वो दक्षिणा भी स्वीकार्य। दक्षिणा तो हमारे टर्म्स पे होती है, दान हो सकता है कि देने वाले की उदारता प्रेम वो हो जाए, दक्षिणा तो गुरु के टर्म्स पे होती है। ये चाहिए, दे सको दो, नहीं तो फॉरगेट इट, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारे मन की पूर्ति नहीं है, तुम्हारे अहम की संतुष्टि नहीं है। और जिस समय आदमी ऐसी निस्वार्थता को, उदारता को डिस्कवर करता है और फिर बहुत ही उत्साह तीव्रता से कर्म करता है, उसको कर्म योग बोलते हैं। और कर्म योग से आदमी के मन का मार्जन होता है, सर जड़ता खत्म होती है, इसी को शुद्धि बोलते हैं। आपकी जड़ता खत्म हो जाए, आपकी बुद्धि का मोटापना खत्म हो जाए, चंचलता खत्म हो जाए, बहिर्मुखता खत्म हो जाए। जिसको भी ये सिंसियरली डिस्कवर करनी है उसको करना चाहिए, और नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, ये संसार तो चल ही रहा है इन्हीं प्रकार के छोटे लोगों से, हमको संसार का पार्ट बनना ही नहीं है, नहीं कि संसार के टर्म्स में जीना है। हम तो संसार को मूर्ख समझते हैं, मोहित समझते हैं, सपने के अंदर आदमी सो रहा है उस तरह दृष्टि से देखते हैं। जो मोहित है, जो सो रहा है, जो अभिमानी है, जो संकुचित है, जो दुखी है सदैव, ऐसे व्यक्ति के टर्म्स पे क्या कोई भी ज्ञानवान जिएगा? हमको अकेला चलना गंवारा है, ऐसे लोगों के हिसाब से जीना गंवारा है। और इसी को सन्यास बोलते हैं, जस्ट फॉरगेट इट, टू हेल विद द वर्ल्ड। ये दुनिया हमको स्वीकार नहीं है, हमारे हिसाब से सत्य के हिसाब से जो जीना चाहता है वो आओ, ये दरबार खुला हुआ है, ये सबके लिए समान है। यहां हमारे घर के लोग आओ, हमारे परिवार के लोग आओ, हमारे गांव के लोग आओ, नथिंग लाइक दैट। दुनिया के किसी कोने से आओ, सब हमारे हैं। अगर तुम्हारे मन के अंदर निस्वार्थता है, सत्य की जिज्ञासा है, हम यहां दूसरे लेबल्स नहीं देखेंगे। हमारी सेवा किसी एक परिवार विशेष, देश विशेष, धर्म विशेष, किसी के लिए नहीं है, सत्यनिष्ठ के लिए है, संकुचिता से रहित व्यक्ति के लिए। और हम जबरदस्ती उम्मीद नहीं करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, और हमको कोई चिंता भी नहीं होगी, हम शिक्षा भी जबरदस्ती नहीं देंगे। बस ये होगा कि जहां पर हमको ये बात दिखाई नहीं पड़ेगी, हम अपने रास्ते हो जाएंगे, बस ये रास्ता हम छोड़ देंगे, एज सिंपल एज दैट। भले यहां कोई व्यक्ति हो, संस्था हो, शहर हो, एक क्षण में सब चीजों का त्याग हो जाएगा, लेकिन सिद्धांत का कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये रोग की जड़ है, ये समस्या की जड़ है, ये मूर्खता है, ये मोह है, ये नासमझी है। और जिसको अपने हिसाब से अगर ज्ञान प्राप्त करना हो वो आए। मैं मेरा तू तेरा ये जो भी चक्कर होता है रामायण के अंदर भी, लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछते हैं कि भगवान माया क्या होती है, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है रामायण की। भगवान श्री राम बोलते हैं, लक्ष्मण मैं और मोर तोर तय माया। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर मैं मेरा तू तेरा ये सोच विद्यमान है, वो आदमी माया से ग्रसित है, मोहित है, इसको माया बोलते हैं। क्या छूटना चाहते हो?
क्या कोई सही में मुक्त होना चाहता है? और मेरा जिस समय होता है वो सदैव मैं का ही एक्सटेंशन होता है। क्यों मेरा चिंता ज्यादा आपकी है? क्योंकि मैं जो है वो संकुचित है, छोटा है। जब मैं छोटा होता है तभी तू का जन्म हो जाता है, उससे पृथक जो भी है वो तुम हो जाते हो, ये हम हो जाते हैं। और जब तक हमको ये दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारे संसार का ये सब जो है प्रॉब्लम, समस्याएं, संसार की नहीं आपकी खुद, घुटन, बेचैनी, शोक, डिप्रेशन, चिंता, ये सब चीजों की जड़ क्या है समझना चाहते हैं क्या? मैं का छोटापना हमारे संसार का एकमात्र कॉज है। और जैसे आपके जीवन में यही पीड़ा लाता है, यही पूरी दुनिया के जीवन में पीड़ा लाता है। और उसको संसार बोलते हैं जो व्यक्ति इस भेद बुद्धि, इस संकुचिता, इस छोटे मैं से युक्त होके जब एक समाज बनाता है उसको संसार बोलते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी अगर यहां पे पीड़ित है, दुखी है, कितनी विकृतियां हैं, कैसे असुर बन जाते हैं, मर्यादा विहीन, शिष्टाचार विहीन, मूर्ख, ऐसी जड़ता से युक्त, कैसे करप्शन होते हैं, कैसे बलात्कार होते हैं, कैसे हिंसा होती है, ये अनेकों प्रकार की समस्याएं क्यों हो रही हैं? अरे रियली सीरियस, समाज सेवा करना चाहते हो क्या? क्या करना चाहते हो, केवल किसी को रोटी पानी खिलाना है कि जड़ में जाना है? जड़ में जाना है तो आप देखिए, मैं की संकुचिता, मैं का छोटापना, दिस इज द कॉज। इस पूरे भयंकर कैंसर की जड़ है छोटा मैं। पहले मैं आता है छोटा, उसके बाद सबको अलग कर देते हैं और मेरा तेरा के लिए जीते रहते हैं। इसको आप देखते हैं क्या? इसको देखना बहुत आवश्यक होता है। और जब तक आप इस चीज को नहीं देखते हैं, आत्मेच्छा विवसीयताम, आत्मा के ज्ञान की इच्छा थोड़ी हुई, आत्मा के ज्ञान की इच्छा तब हुआ करती है जिस समय हमको जीवन में यह दिखता है कि मैं के बारे में गलत फहमियों के कारण ही हमारे जीवन और ये पूरे समाज के अंदर सब विकृतियां विद्यमान है। गरीब बच्चे, गरीब बच्चियां और गांव के गरीब लोग, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, इनकी सेवा के लिए कोई आदमी समर्पित है। आपको पता है कि ये समस्याएं क्यों हुई हैं? यहां पे बच्चियों की समस्या, गांव के अंदर गरीबी की समस्या क्यों हुई है आपको पता है? Are you really serious to go into that? क्या जड़ से दूर करना चाहते हो ये समस्याओं को? ये उन लोगों की उपज है जो मैं, मेरा, तू, तेरा के कैंसर से युक्त है। कुछ लोग इस प्रकार से यहां पे मैं, मेरा, तू, तेरा की बुद्धि से कलुषित होके इतना परिग्रह करा है, इतना जमा करा है कि दूसरों को खाने के लाले पड़ गए। ये कारण है। हम भी अपने जीवन में इतने ज्यादा मैं से चिंतित हैं कि शोकाकुल होते हैं। दिस इज बिकॉज ये हमारे वेदांत के मनीषी लोग आपकी नाड़ी के ऊपर हाथ रख के ये डायग्नोसिस करते हैं। इसीलिए जब तक आप इस कॉज को दूर नहीं करेंगे, आप लिपापोती कर रहे हैं और आपके अहम की संतुष्टि मात्र होगी। और आप निश्चित समझिए
इस प्रकार की सोच वाले यहां पे हजारों लोग आ जाएं, पूरे बड़े बड़े क्लब और संगठन बन जाएं, यही देश की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि एक तरफ से कोई आदमी जो है बहुत ही प्रेम से कोशिश कर रहा है कि सब लोगों के लिए समान नौकरी हो, भोजन हो, और दूसरी तरफ से इसी समाज सतत जो है मैं मेरा तू तेरा की यह विकृति, ये नासमझी, ये मोह, ये प्रॉब्लम को बढ़ाता जा रहा है। अफ्रीका में क्यों भुखमरी है? क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में इतना परिग्रह है, वहां खा खा के बीमार हो रहे हैं, और इसीलिए दूसरी जगह खाने के लाले पड़े। इस बात को देखना चाहिए। और इसीलिए कोई ऋषि लोग कमर कस के समाज सेवा के लिए नहीं निकलते, वो कमर कस के मैं मेरा तू तेरा के झमेले से मुक्त कराते हैं, वो ज्ञान देते हैं, बोलते हैं पहले इस ज्ञान को प्राप्त करो। और सब मैं मेरा तू तेरा का झमेला खत्म करो, उसके बाद फिर तुमको पता लगेगा मैं के ज्ञान की महिमा क्या है और उसका स्वरूप क्या है। हम अनेकों प्रकार की मैं की चिंताओं से संकुचिता से युक्त रहे और उसके उपरांत बोले आत्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने रे, मैं तो आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। कोई बच्चों का खेल है क्या? जरा उस जीवन में देखो, उस व्यक्ति के जीवन में देखो, मैं मेरा तू तेरा इस परिवार के बाहर अनेकों संतों के पास नहीं जा सकते क्योंकि हमारे अहम की संतुष्टि नहीं हो रही है। हमारे वेदांत मिशन के साथ साथ भी कुछ लोग जुड़े रहे, लेकिन अनेकों बार बीच बीच में ऐसा भयंकर मैं मेरा आता है कि सब उनकी श्रद्धा भावना सब खत्म हो जाती। और जो व्यक्ति इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ को देखता है वो रत्ती मात्र जो है वह टस्समस नहीं हो सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, देखने की बात है। यही वेदांत सिद्धांत है कि मैं मेरा तू तेरा से मुक्त हो, समझो इस बात को कि मैं की संकुचिता ही समाज की सब समस्या की जड़ है। और समाज की बात छोड़ो, तुम्हारी समस्या की जड़ है। कैन यू सी दिस फैक्ट? और आप अपनी समस्या को क्या सही में दूर करना चाहते हैं? अगर दूर करना चाहते हैं तो डेयर टू कीप असाइड ऑल फ्रेगमेंटेशन, सब संकुचिता को छोड़ने का साहस करो। और इस चक्कर में अगर हमको पूरी समाज को छोड़ना है, ऐसे लोगों को छोड़ना है, तो अगर आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, छोड़ने में कोई चिंता नहीं होगी। आपको दिखाई पड़ रहा है कि बिजली का तार छूने से करंट लगता है, आप कभी नहीं छुएंगे। इतना क्लियरली आपको देखना चाहिए कि मैं मेरा तू तेरा से सब प्रॉब्लम्स होती है, फिर आप कभी नहीं छुएंगे इसको। और मैं के छोटे पने से ही मैं मेरा तू तेरा का सब झमेला प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति इस बात को देखता है वो व्यक्ति मैं के बारे में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर। अगर हम ये हैं ही नहीं तो हम क्या हैं? इसको बोलते हैं कि आत्म के ज्ञान की जिज्ञासा का जन्म होना। आत्मेच्छा व्यवसीयताम। अब तुम आत्म के ज्ञान की इच्छा करो, और अगर तुम इच्छा करते भी हो और किसी गुरु के पास पहुंच भी जाते हो तो भी और आगे देखेंगे कि आ तो गए हो लेकिन अभी तक तुम्हारा या मैं मेरा तू तेरा कितने हद तक बचा हुआ है। क्योंकि ये भेद था, सब में होता है, कोई नई चीज नहीं है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस भेद, इस खंड, इस द्वैत,
इस फ्रैगमेंटेशन का शिकार होता है। इसीलिए जब जब कोई आत्म के ज्ञान के लिए आता है तो उसको यह परीक्षा देनी पड़ेगी कि क्या आज भी तुम्हारे अंदर मैं मेरा तू तेरा के भेद मंडरा रहे हैं, क्या मंडरा रहे हैं तो अभी तक आप पात्र नहीं हुए हैं। और कोशिश करो और तपस्या करो, जरूरत पड़े तो सैकड़ों बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके यह इस खंडात्मक मोह का मार्जन होएगा। गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं ना सातवें अध्याय में, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद अर्जुन ये कोई ज्ञान प्राप्त करता है। और हम जानते हैं कि मैं मेरा तू तेरा के दायरे से निकलने में बड़ी कष्ट होता है, कल्पना ही नहीं करी कभी। इसी दुनिया के रंग में रंगे हुए एक सज्जन आए, बोलते हैं गुरु जी आपको भी तो यहीं पे काम करना है ना, इसीलिए आपको ऐसे विचारों को स्वीकार करना पड़ेगा। व्हाट अ जोक, यहां हमको कोई काम नहीं करना है, हमको कोई धंधा नहीं करना है, हम जहां पे बैठ के ज्ञान देते हैं वही आश्रम है, हमको कोई कोई किसी प्रकार की भीड़ नहीं चाहिए। जो इस प्रकार की जिज्ञासा से युक्त है वही हमारी दुनिया है, वही हमारा शिष्य है। ये भीड़ जमा करने वाले, हर गली गली मोहल्ले में ग्रुप चलाने वाले और अपनी संस्था चलाने वाले ये हम नहीं है उनमें से, हमको कुछ नहीं चलाना है। जो भी यहां पे हजारों में विरला कोई भी सच्ची जिज्ञासा से युक्त होगा वो देशी होगा विदेशी होगा, ब्राह्मण होगा वैश्य होगा क्षत्रिय होगा शूद्र होगा, कोई भी होगा, हिंदू होगा मुसलमान होगा, हमारे शिष्य लोगों मुसलमान है, हमारे शिष्य लोगों में ईसाई है, सरदार है, जैनी है, क्रिश्चियंस हैं, विदेशी हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये सब हमारे, कोई नहीं पूछेंगे किसी से जिज्ञासा है कि नहीं, मैं मेरा तू तेरा से निकल के क्या सत्य में जगना चाहते हो कि नहीं, तुम्हारा परिवार तुम्हारी संस्था तुम्हारा नाम, डोंट एक्सपेक्ट मी टू अपीज ऑल दीज थिंग्स। हम किसी प्रकार की ऐसी संकुचिता की संतुष्टि करने वालों में से नहीं है। बहुत आग्रह है, आपको प्रणाम है, आपका राह दूसरी है, हमारी राह दूसरी है। हम दुनिया के चक्कर में, भीड़ के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, दान के चक्कर में, ट्रस्ट के चक्कर, किसी चीज से मतलब नहीं है। ट्रस्ट हम बनाते हैं, ट्रस्ट हमको नहीं बनाता है, संस्था हम बनाते हैं, संस्था हमको नहीं बनाती है। ज्ञानवान इस गरिमा में नहीं जिए तो धिक्कार है उसके ज्ञान की। आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए वही लोग प्रवृत्त होते हैं जिनके अंदर ये बात बहुत क्लियरली देखी जाती है कि मैं की संकुचिता यही संसार है, संसार की जड़ है, सब समस्याओं की जड़ यही है। सो अनकॉम्प्रोमाइजिंगली ज्ञान तो छोड़ो, कर्मयोगी भी नहीं बनोगे अगर निस्वार्थ नहीं होगे, सबकी सेवा करो, ऐसा जीवन जियो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मंत्र तुम्हारे जीवन में चरितार्थ हो जाए, एक नया अध्याय चालू करो। ब्रेन वॉश्ड रहे हो ऐसी चीजों से, इसीलिए बार बार ये विचार आएगा और यही हमारी परीक्षा के क्षण होते हैं कि हमको उसे रिजेक्ट करना है और हम सब संकुचिता अपने मन से उत्पन्न, नहीं हमारे मन में नहीं दूसरे के मन में है, अभी तक ग्रो नहीं कर पाए क्या?
अनेकों लोग, एक सज्जन हमको मिले, बोलते नहीं गुरु जी हमारे मन में प्रॉब्लम थोड़ी है, तो दूसरे के मन में प्रॉब्लम। अच्छा, आपको पता है दूसरों के मन में क्या क्या है? दूसरे के मन में यहां पे ब्रह्म ज्ञान भी विद्यमान है, वो दूसरे आपके भगवान हैं, वो दूसरे आपके गुरु हैं, वो भी दूसरे हैं ना, वो भी दुनिया वाले हैं। यहां दूसरों के मन में निस्वार्थ सेवा की भावना है, यहां कुछ ऐसे हैं जो पूरे विश्व को अपना परिवार समझ के जी रहे हैं, यहां कुछ ऐसे हैं जो राक्षसों की तरह अपने स्वार्थ के लिए बड़े नीचता तक भी गिर जाते हैं, यहां दूसरे हैं जो मैं मेरा तू तेरा से भी है। ये दूसरे के दायरे में टोटल स्पेक्ट्रम विद्यमान है। सोहरन मित्रा युदासीना मध्यस्त द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु। गीता के एक श्लोक में भगवान ये टोटल स्पेक्ट्रम बताते हैं, बोलते हैं देखो दुनिया में क्या क्या है, छोटापना भी है, बड़प्पन भी है, निस्वार्थता भी है, ब्रह्म ज्ञान भी है, यहां सब विद्यमान है। Have you ever wondered कि आप एक छोटेपने के विचार से ही क्यों प्रभावित हो रहे हैं? आप बड़प्पन से क्यों नहीं प्रभावित हो रहे हैं? वो भी तो दूसरे में ही है ना। यहां निस्वार्थता भी दूसरे में विद्यमान है। Why doesn't it fascinate you? हमको इंप्रेस क्यों नहीं करती है? हमको यह इफेक्ट क्यों नहीं करती है? हमको वो छोटापना ही क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि दैट इज माई लेवल ऑल्सो। हमको वो लॉजिकल लगता है, हमको उचित लगता है। जब मैं मेरा तू तेरा रहता है तो हमको वही उचित लगता है। और जहां पूरी दुनिया के लिए सेवा करो, आज तक बड़ी छोटेपने से महाराज जी जिए हैं, धीमे धीमे दो दो पैसे का संग्रह करा है, तो मेरा है, और इसीलिए कम से कम इतना तो डिस्क्रिशन मिलना चाहिए कि हम यहां आपके लिए करना चाहते हैं, अवश्य करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको फिर निस्वार्थता मत बोलना, इसको निष्कामता मत बोलना। बहुत सारी भीड़ यहां पे इसी लेवल पे, ये मेजॉरिटी इसी लेवल पे, मंद बुद्धि, मीडियोकर बुद्धि। इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है कि यहां पे इस प्रकार के लोग विद्यमान है। लेकिन यहां पे दूसरों की दलीलें मत दो, क्योंकि दूसरों के दायरे में हमारे यहां पे अजीम प्रेम जी भी आते हैं। अभी हमको बता रहे थे कोई हैदराबाद के रेडीज हैं, महिंद्रा के भी जो है वह आनंद महिंद्रा भी, इन्होंने अ बिग चंक ऑफ देयर मनी इन्होंने यह CSR को आजकल नाम देते हैं, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR जो है बहुत बड़ा एक अभी मूवमेंट बनता जा रहा है, कुछ गवर्नमेंट ने भी एनकरेज करा है। बोलते हैं आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अगर आप उसको अंडरटेक करते हैं तो आपको टैक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलेगा। अनेकों जगह एजुकेशन के लिए हो, गांव के लिए हो, पानी के लिए हो, 100% टैक्सेशन रिबेट्स। देखिए गवर्नमेंट भी एनकरेज करती है, जो तुम्हारे दायरे के अंदर नहीं है अगर तुम वहां सेवा करोगे ना तो यू विल गेट अ पैट ऑन योर बैक ऑल्सो, तुमको भी दो पैसे बचेंगे। वहां पर भी प्रलोभन मैं का होगा तभी आदमी भी जाता है। एनीवे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे भी जाते हैं, लेकिन दुनिया वाले कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, तो उस समय जरा ऐसे लोगों पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। ये भी दुनिया के लोग हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े आदरणीय लोग हैं। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से पूरा काम छोड़ के केवल सोशल सर्विस में, और मेरे के दायरे में नहीं है।
हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और हमारा अमेरिका वहां नहीं है, बोले विश्व भर में कोई भी अच्छे जो है फलाने कोई टॉयलेट बनाएगा, दुनिया का कल्याण होगा, क्लीनलीनेस होगी, हम उसकी सेवा करेंगे। ये दुनिया वाले हैं ना, दुनिया वाले लोग कह रहे हैं, उनको क्यों नहीं देखते हो भैया, दुनिया में हम भी तो है ना, हमको क्यों नहीं देखते हो? ये दुनिया वालों में ये भी बोलो, ये दुनिया वाले कह रहे हैं कि निष्काम भाव से करो, दुनिया वाले कह रहे हैं कि माया से परे जाओ, दुनिया वाले कह रहे हैं मैं मेरा तू तेरा से मुक्त हो। Why doesn't this fascinate you? सोचिए, वही थॉट्स हमको अट्रैक्ट करती हैं जो थॉट्स हमारे अंदर होती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक बड़ी प्रसिद्ध आजकल किताब चल रही है सीक्रेट करके, और उससे ये सब सिद्धांत बिकम वेरी फेमस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो थॉट आपके अंदर होता है ना, उसी टाइप की चीजें अट्रैक्ट होती हैं आपको। और अगर आपने अंदर उदारता की थॉट्स रखी तो आपको यू विल बी सरप्राइज कि पूरी दुनिया में वो दिखने लगता है, वो ही दिखता है आपको। इसीलिए मन जब बड़ा पवित्र होता है दुनिया पवित्र दिखती है, मन में बड़ा प्रेम होता है तो दुनिया में प्रेम दिखता है, और मन में स्वार्थ होता है, संकुचिता होती है तो वही दिखता है। आप गिने चुने ऐसे लोगों का सैंपल ले आएंगे, ऐसे लोगों का नाम ले आएंगे, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल ले आएंगे जिनके अंदर छोटापना है, सो एज टू जस्टिफाई योर सेल्फ। ये सब मन का खेल देखो, ये मैं मेरा तू तेरा के चक्कर देखो। और अगर इस झमेले से मुक्त होना है तो वेदांत का आश्रय लेना पड़ेगा, और वेदांत का आश्रय लेना पड़ेगा तो फिर मैं का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ये बात को बहुत गहराई से देखना पड़ेगा कि आत्मा के ज्ञान, मैं के ज्ञान की ही भूल से सब समस्याएं इंसान की हो रही हैं। हम छोटे हो जाते हैं और छोटे से बाकी अनेकों अलग हो जाते हैं, और फिर मैं के दायरे में जीते रहते हैं, एक मेरा होता है फिर तेरा होता है, और ये हमारे जीवन की रूप हो जाता है। बात बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन जिस समय हमको ये दिखाई पड़ेगी, एक यहां पे घटना घटित होती है, और वो घटना होती है कि आत्म के ज्ञान की जिज्ञासा होती है। तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट तो है ही है, लेकिन देखिए क्या प्लस चीज है, इंटेलिजेंस के साथ साथ निस्वार्थता है, संकुचिता का भाव है, मैं मेरा तू तेरा से मुक्ति है, तब इंटेलिजेंस ज्ञान के लिए काम आती है, आत्म के ज्ञान के लिए सहायक होती है। अगर आपकी इंटेलिजेंस मैं मेरा तू तेरा से कलुषित है, देन यू आर एन अनफॉर्चुनेट पर्सन, इस जीवन में तो वंचित हो जाओगे भैया। ये कौड़ियां लेके जाओगे रत्न छूट जाएगा। दीन आए हो जी के आए थे और दीन ही मर के जाओगे। ये ऐसी चीज नहीं है जो आप अभिमान से खरीद सकते हो, ले सकते हो। इसीलिए पूर्ण निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस, यही प्रारंभ के 6 स्टेप्स का प्रयोजन था। कर्म को पूजा बनाओ, सबकी खुशी के लिए जियो, तब 7वें स्टेप पे आत्म के ज्ञान की चर्चा चालू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए हमने सोचा इस बार इसको हम फिर से हाईलाइट करते हैं, और फिर आत्म के ज्ञान के लिए हमको प्रवृत्त होना है। कुछ और आपको आत्म के ज्ञान की इंपॉर्टेंस हम आपको अगली बार रिवील करेंगे, इस बार इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।